मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में आज लगातार चौथे दिन भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज बारिश होती है, घरों में पानी भर जाता है। मौसम विभाग भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक प्रकाश डबले ने बताया कि प्रदेश में दो सिस्टम एक्टिव है। नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहीं एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है। इस वजह से ज्यादातर जिलों में तेज बारिश हो रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। आज इंदौर संभाग के जिलों के साथ छिंदवाड़ा, पांडुना, सागर, साजापुर, राजगढ़, निवाड़ी और सिवनी में भी तेज बारिश हो सकती है। नमस्कार, मैं प्रकाश दौले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में हमने पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा होने की पूर्वानुमान दिया था। कहीं कहीं जो है भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान दिया गया था। उसी हिसाब से जो है पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई है और कहीं कहीं जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है स्कैटर्ड फॉर्मेट में वर्षा हुई है तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है फेयरली वाइड स्प्रेड फॉर्मेट में वर्षा हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में तीन जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। मीन्स एक जगह पे वेरी हेवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया है। शिवपुरी में कोलारस करके है, वहाँ पे 120.8 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई है तथा दो जगह हेवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। रायसेन में जो है बरेली में 102.6 मिलीमीटर तथा शिवपुर में बदोदा में 78.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है तथा उसी के साथ ईस्ट एमपी में दो जगह पे हेवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। एक सतना में रामनगर में 72 मिलीमीटर तथा शहडोल में ब्रहारी में 84 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वैसे भी आप ये देख सकते हैं कि सिस्टम्स जो है ऊपर में एक मानसून ट्रफ बना हुआ है जो कि अपना राजस्थान से होते हुए, लखनऊ से होते हुए सीधी और उसके बाद डाल्टनगंज से बंगाल की तरफ जा रहा है और उसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर और एक ऊपरी हवा का चक्रवात भी राजस्थान पे बना हुआ है। इसी के चलते सब जो है अपने प्रदेश में अच्छी वर्षा और अच्छे बादल देखे जा रहे हैं और मीन्स पूरा वाइड स्प्रेड और मीन्स पूरे मध्य प्रदेश में ईस्ट और वेस्ट एमपी में मीन्स वर्षा जो है अच्छी हो रही है और आने वाले 24 घंटे में भी ऐसी अच्छी वर्षा देखी जा सकती है स्कैटर्ड फॉर्मेट में और कहीं कहीं जो है फेयरली वाइड स्प्रेड फॉर्मेट में वर्षा का पूर्वानुमान दिया गया है और कहीं कहीं जो है मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है।